नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम। दीज टू सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फीचर ऑफ मिडाइवल इंडिया ड्यूरिंग द मुगल रूल। दे प्रोवाइडेड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक फीचर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द मिलिट्री सिस्टम्स ऑफ मुगल रूल। टूडे वी विल सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक एंड देन वी विल सी इन डिटेल द इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ बोथ द टॉपिक्स। वी शैल स्टार्ट। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने दे रखे हैं ये वो क्वेश्चन जो हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछे गए हैं इन दो टॉपिक से। तो मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम से सबसे पहले सवाल 1993 में आया था और 60 नंबर का आया था। क्या पूछा था? एनालाइज द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं मनसबदारी सिस्टम के। और हाउ डिड इट वर्क अंडर अकबर्स सक्सेसर्स, अकबर के सक्सेसर के अंडर ये सिस्टम ने कैसे काम करा और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बता रहे हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, 60 नंबर का आया था, यानी डिटेल में आपको लिखना था इन द ईयर 1993। इसके बाद अगले 10 साल तक लगभग ये क्वेश्चन यूपीएससी में ऑप्शनल में नहीं पूछा गया। नेक्स्ट टाइम इट वॉज आस्क इन ईयर 2002 इन 20 मार्क्स। जो सिंपल क्वेश्चन था, ब्रीफ ऐसे लिखना है मनसबदारी सिस्टम पे। लेटर इट वॉज आस्क इन 2011, ऑलमोस्ट 10 ईयर लेटर, इन 30 मार्क्स। एग्जामिन द मनसब एंड जागीर सिस्टम, आपको दोनों सिस्टम एग्जामिन करने हैं जो अकबर के टाइम पीरियड में थे एंड इट्स सब्सिक्वेंट फेलियर इन द 18th सेंचुरी। तो यहाँ हमने देखा कि जो तीनों क्वेश्चन इस सिस्टम इस टॉपिक से आए हैं वो लगभग 10-10 साल के गैप में आए हैं, बट सिचुएशन चेंज हो गई आफ्टर दैट। द नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन आप अगर जो देखेंगे जो इस टॉपिक से आए हैं, देखिए कब कब पूछे हैं, 2019, 2021 एंड 2022, यानी कि इन दीज फोर ईयर्स थ्री टाइम्स इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है इसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हिस्ट्री के ऑप्शनल में ये सवाल आए। देखें पूछा क्या है तीनों चारों साल जो तीन बारी क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले 19 में पूछा है, क्रिटिकली एनालाइज वेदर द सक्सेस ऑफ द मुगल्स इज टू बी क्रेडिटेड टू देयर रोबस्ट जागीरदारी एंड मनसबदारी सिस्टम। तो क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज करने का मतलब है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें बतानी है, किसकी, जागीरदारी और मनसबदारी सिस्टम की, और एनालाइज करना है कि क्या इन सिस्टम का क्या रोल रहा सक्सेस में मुगल्स के। तो आपको दोनों सिस्टम पता होने चाहिए, दोनों सिस्टम के पॉजिटिव नेगेटिव बताने होने चाहिए, और यह बताना है किस लेवल तक मुगल्स की सक्सेस को क्रेडिट दिया जा सकता है इन दोनों सिस्टम्स को। द नेक्स्ट ईयर 2021 जो क्वेश्चन पूछा गया वो हुआ इन लेट 17th सेंचुरी, यानी कि औरंगजेब का जो टाइम है लेट 17th सेंचुरी, मुगल इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी ए पीरियड ऑफ जागीरदारी क्राइसिस डिस्कस। तो आपको क्या डिस्कस करना है, जागीरदारी क्राइसिस डिस्कस करनी है। 2022 नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द नेचर ऑफ द मनसबदारी सिस्टम ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। सिर्फ अकबर के रेन में, उसके बाद के सक्सेसर्स के रेन में नहीं, सिर्फ अकबर के टाइम पीरियड में आपको क्या एग्जामिन करना है, नेचर ऑफ मनसबदारी सिस्टम, यानी मनसबदारी सिस्टम के फीचर आपको डिस्कस करने। देखिए एक सवाल जो आया था उसमें क्या था, वर्क अंडर अकबर सक्सेसर, सो अकबर के सक्सेसर यानी इवोल्यूशनरी नेचर में बाद में उन्होंने कैसे काम करा, और यहाँ क्या पूछ रहा है, सिर्फ अकबर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर आपको एग्जामिन करना है नेचर ऑफ मनसबदारी सिस्टम। तो हमने देखा कि किस तरह के नेचर ऑफ क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक में से पूछे हैं। यूपीएससी की तैयारी में भरी ऑप्शनल की आप तैयारी कर रहे हो या मेंस जीएस की तैयारी कर रहे हो, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की नेचर पता होनी चाहिए, उसके बाद अगर आप टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज देन यू विल नो आपको किसी टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और जो आप पढ़ रहे हैं उसकी इन डेप्थ कितनी होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी टॉपिक में, अगर हर टॉपिक में आप जाएंगे कि आप PhD टाइप करें, आप उसमें बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करें, तो फिर आपका कोर्स भी खत्म नहीं होगा। तो टू गेट अ बैलेंस यू शुड नो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड दिस लेक्चर विद द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, के यूपीएससी ने क्या पैटर्न है, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं और फ्रिक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन क्या है इस टॉपिक से आने की, जो हमने देखा रिसेंट टाइम्स में बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। चलिए चालू करते हैं। सो सबसे पहले हम चालू करेंगे व्हाट इज मनसब, हमको दो सिस्टम पढ़ने हैं, मनसबदारी और जागीरदारी, हम दोनों पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम देखेंगे मनसबदारी सिस्टम से। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं व्हाट इज मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनसब, व्हाट इज मनसबदारी एंड व्हाट इज मनसब। सो मनसब इज ए रैंक, ए पोजीशन। मनसब क्या है, एक रैंक है, एक पोजीशन है इन ए हायरकी, और उस पोजीशन, उस रैंक के होल्डर को क्या कहेंगे, मनसबदार।
सो मनसबदार इज ए होल्डर ऑफ मनसब एंड मनसब इटसेल्फ मीन ए रैंक ए पोजिशन विद इन ए हायरकी। तो मनसब जिसके पास भी है वो एक हायरकी में अपनी एक पोजिशन को डिनोट करवा रहा है, किसी हायरकी में उसकी एक पोजिशन है। वो हायरकी क्या है? मुगल इंडिया में सिविल और मिलिट्री दोनों पोजिशन, दोनों स्ट्रक्चर में आपको मनसब मिल सकती थी। यू कैन बी असाइंड ए मनसब व्हेन यू आर वर्किंग इन ए सिविल डिपार्टमेंट एंड यू कैन असाइंड ए मनसब व्हेन यू आर वर्किंग इन ए मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड दे कैन बी इंटरचेंज। मीनिंग इवन इफ यू आर वर्किंग इन ए रिवेन्यू डिपार्टमेंट यू आर होल्डिंग ए मनसब ऑफ, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 100 मनसब एंड immediately you can be asked to perform a military duty while working in a military department, while working in a civil department. तो ये basic मतलब है, हम और detail में अच्छे से देखेंगे। ये system किसने चालू करा? ये system अकबर ने चालू करा। मतलब अकबर के पहले जो दो मुगल्स आए थे कौन कौन से थे? बाबर और हुमायूं। उनके टाइम पे मनसबदारी सिस्टम नहीं था। द सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय द मुगल एम्परर अकबर। बिफोर दैट क्या सिस्टम था? वजहदार वजह सिस्टम था, जो नोबल्स को जिसमें ग्रेडिंग दी जाती थी और उनको कहा जाता था वजहदार। बट दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे, वी विल नॉट डेल्व मच इनटू दैट। तो हमने देख लिया मनसब रिफर्स टू ए रैंक और ए पोजीशन एंड मनसबदार वाज द होल्डर ऑफ दैट रैंक और पोजीशन। और ये दोनों को मिल सकती थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको मिल सकती थी और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिल सकती थी। व्हाट वाज द पर्पस? देखिए इसके मेनी फोल्ड पर्पस थे, पर सबसे पहला पर्पस आप देखिए, एक किसी भी स्टेट के लिए मिडाइवल टाइम में सिविल और मिलिट्री दोनों एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, पर सिविल और मिलिट्री में किसी की हायरकी क्या है ये डिसाइड कैसे किया जाएगा? तो अगर हम दोनों को इंटीग्रेट कर दें, बोथ सिविल ब्यूरोक्रेसी एज वेल एज मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, दोनों को हमने इंटीग्रेट कर दिया और दोनों को एक हमने मनसब रैंक के हिसाब से बांट दिया कि किसकी हायरकी, किसकी पोजिशन क्या है, हु विल बी सीनियर, हु विल बी जूनियर। तो ये एक यूनिक फीचर है और इससे इंटीग्रेशन भी हो गया दोनों डिपार्टमेंट का और इसमें इंटरचेंजेबिलिटी भी, जैसे कि मैंने बताया वन पर्सन कैन वर्क इन ए मिलिट्री डिपार्टमेंट एट द सेम टाइम अनदर टाइम दैट सेम पर्सन कैन वर्क इन ए सिविल डिपार्टमेंट हैविंग द सेम मनसब और ग्रेटर और लोअर मनसब एज पर द प्लेजर ऑफ द रूलर। इट वॉज ए बेसिक फीचर। बेसिक फीचर का मतलब क्या है? आपको पूरे मुगल पीरियड में आफ्टर अकबर, क्योंकि अकबर ने चालू करा है, अकबर और अकबर के बाद जितने भी सक्सेसर्स हैं उन सब में आपको ये दोनों फीचर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री में मिलेंगे, वर्ड मनसब। एवरी इंपॉर्टेंट नोबल, एवरी नोबल विल बी ए होल्डर ऑफ ए मनसब एंड ही विल बी कॉल्ड ए मनसबदार। देखिए मनसब एक जनरल टर्म है, मनसबदार एक जनरल टर्म है। जनरली द होल्डर ऑफ मनसब टिल द रैंक ऑफ 500 इज ए मनसबदार, 500 से 2500 इज ए अमीर, और 2500 से ज्यादा अगर आपकी रैंक है तो आपको कहा जाएगा अमीर आजम। तो क्या मैं बता रहा हूं, जनरल मनसबदार इज ए जनरल टर्म, मनसबदार इज ए जनरल टर्म, पर अगर आपकी रैंक 500 तक है तो आपको मनसबदार कहा जाएगा। अगर आपकी रैंक 500 से 2500 तक है तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको अमीर कहा जाएगा। और अगर आपकी 2500 से ज्यादा है तो आपको क्या कहा जाएगा? अमीर ए आजम। ये आपके टाइटल होंगे, पर आप सिस्टम कौन सा है? मनसबदारी सिस्टम है। अब इस सिस्टम में क्या है? इस सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया है मुगल नोबिलिटी को, जो मैंने बताया सिविलियंस है और मिलिट्री है, इनटू ए न्यूमेरिकल ग्रेड्स, फिक्स्ड देयर पोजीशन, ये मैंने बताया है इन द ऑफिशियल हायरार्की। अब न्यूमेरिकल ग्रेड से क्या मतलब है? न्यूमेरिकल ग्रेड से मतलब है कि इसमें सबसे छोटी ग्रेड है 10 और सबसे हाईएस्ट ग्रेड है 10,000। और आपको ग्रेड कैसे मिलेगी? इन द मल्टीपल्स ऑफ 10। सो आफ्टर द 10 द नेक्स्ट ग्रेड विल बी 20। तो मनसबदार की रैंकिंग कहाँ से चालू होगी? 10 से चालू होगी, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस तरह से बढ़ेगी हमेशा इन द मल्टीपल्स ऑफ 10। हमको आइन जो अकबरनामा है, अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखा है, अबुल फजल लिखते हैं अकबरनामा में कि देर आर टोटल 66 ग्रेड्स इन विच मनसबदार्स आर डिवाइडेड फ्रॉम रैंक ऑफ 10 to 10,000। पर एक्चुअली अगर हम देखते हैं तो 66 सिर्फ एक नोशनल नंबर है, सिर्फ 33 ग्रेड्स ही हैं जो कि अकबरनामा में मिलती हैं। अब मनसब क्या क्या बताता है? मनसब क्या क्या बताता है? हमने कहा रैंक बताता है, पर ये और रैंक तो बताता ही है, पर मनसब से क्या क्या पता लग सकता है? देखिए इन ए डेवलप्ड फॉर्म मनसब में दो चीजें थी, इट इज ए डुअल रैंकिंग। मनसब में क्या था? एक था जात, जात रैंक, और एक है सवार रैंक। तो मनसब हमें क्या क्या बताता है? एक तो मनसब हमें बताता है जात, जात मतलब पोजीशन, और इस पोजीशन के अकॉर्डिंगली ही आपको क्या मिलेगी? पर्सनल सैलरी।
तो मनसब क्या क्या बताता है? मनसब एक तो बताता है पोजीशन, दूसरा जो कि है जात, और दूसरा मनसब क्या बताता है? सवार। सवार क्या है? राइडर्स यानी कि केवलरी मैन। दूसरा मनसब क्या बताता है किसी की मनसब के, उसको उसके ओब्लिगेशन क्या है, उसको कितने सवार रखने हैं। और तीसरा मनसब क्या बताता है? आपकी सैलरी। व्हाट विल बी द सैलरी? सैलरी विल बी द पोजीशन, आपकी जो जात रैंक है उसकी सैलरी प्लस द सैलरी टू मेंटेन दी सवार रैंक्स। तो मनसब तीन चीजें बता रहा है। क्या बता रहा है? एक बता रहा है जात, जात मतलब आपकी पोजीशन इन द हायर की। एक बता रहा है सवार यानी कि ओब्लिगेशन टू मेंटेन कितने आपको कैवलरी, आपको कितने राइडर्स रखने हैं, ये बता रहा है। और तीसरा क्या बता रहा है? आपकी पे। और पे क्या है? पे इज इक्वल टू जात रैंक में जो सैलरी है, जात रैंक की जो आपकी सैलरी है प्लस जो आप सवार मेंटेन कर रहे हैं उनको आप जो सैलरी देंगे उसका, उसकी जो सैलरी टोटल सैलरी है वो भी आपको देनी है। ये दोनों सैलरी मिला के जो आपकी पे है वो आपको कितनी मिलनी चाहिए, ये बता रहा है आपकी मनसब रैंक। मनसब रैंक यानी कि डुअल रैंकिंग है, जात और सवार। मींस अगर किसी की रैंक ऐसे हो सकती है, आपको मनसब है 1000 जात 500 सवार, मतलब आपकी जो हायर की है वो क्या है 1000 और आपको कितने सवार मेंटेन करने हैं 500। हम इसको डिटेल में देखेंगे पर ये बेसिक फीचर है। अब जो यहाँ सवार है, सवार में सिर्फ आपको कैवलरी नहीं रखनी है, उसमें ये भी मेंशन रहेगा कि आपको इक्विपमेंट कौन कौन से इक्विपमेंट हो सकता है उसमें, तोप यानी कि कैनन्स कितने मेंटेन करने हैं, हो सकता है आपको एमल्स एनिमल्स जो हैं जो बीस जो आपका वेट उठाएंगे सामान ले जाते हुए वो कितने मेंटेन करने, ये सब भी सवार रैंक जब आपको मिलेगी तो उसमें मेंशन होगा और आपकी सैलरी भी अकॉर्डिंगली वैसे ही मेंटेन होगी। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया मनसब सिस्टम का ओवरव्यू क्या है, इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। अब जो मैंने बताया कि डबल डुअल रैंकिंग है, वैसे ही रैंकिंग वैसे ही शुरू तो वैसे नहीं हुआ था, शुरू कैसे हुआ? ये स्टार्ट हुआ 1567 में। 1567 मतलब 11th रेगनल ईयर ऑफ अकबर। अकबर कब एम्परर बने? 1556। तो 11th रेगनल ईयर यानी कि 1567 में हमें बताते हैं अबुल फजल इन अकबरनामा दैट इन 1567 द सिस्टम ऑफ मनसबदारी स्टार्टेड। पर अभी ये इवोल्व नहीं है, अभी यहाँ पे डुअल रैंकिंग जात और सवार नहीं है, अभी यहाँ पे एक इंडिविजुअल के पास सिर्फ जात रैंक है। जात रैंक मतलब अभी मनसबदार को यहाँ पे सिर्फ जात रैंक मिल रही है, यानी कि इसको सिर्फ एक रैंकिंग मिल रही है, एक रैंकिंग मिल रही है, एक पोजीशन मिल रही है इन द हायर की। और ऐसा माना जाता है स्कॉलर के द्वारा कि यहाँ पे डुअल रैंकिंग का सिस्टम नहीं था, जात रैंक ही डिनोट कर रही थी आपकी सैलरी भी, आपकी पोजीशन भी, और तीसरा आपका ऑब्लिगेशन टू हैव ए कैवलरी, हाउ मेनी सवार्स यू डू यू वांट डू यू हैव टू, आपको कितना सवार मेंटेन करना है वो भी आपकी सिंगल जात रैंक से ही पता लग रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल आपकी रैंक अगर 500 है जात, तो आपको हो सकता है 500 जात पे आपको 500 सवार रखने हो, जैसा भी उस टाइम का नॉर्म था। तो आपकी रैंक, आपकी पोजीशन तो क्या हो गई, जात से पता लग गई हायर की में, सवार से आपकी ऑब्लिगेशन पता लगती थी वो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ जात से ही पता लग रही है ऑब्लिगेशन भी और आपकी सैलरी भी। आपकी पोजीशन 500 जात और आपके जो सवार आपको मेंटेन कर रहे हैं उनकी इनकम दोनों मिला के आपकी सैलरी डिसाइड हो गई। द नेक्स्ट स्टेप इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम केम इन द ईयर 1573-74। तब क्या सिस्टम आया? तब आया कॉन्सेप्ट ऑफ दाग एंड चेहरा। इट वॉज ए मेजर ऑफ टेकन बाय द एम्परर टू कंट्रोल द नोबल्स। हाउ? यहाँ पे आपको कंट्रोल, आपको जात रैंक मिली, आपको ऑब्लिगेशन हुआ कि आपको एक कैवेलरी मेंटेन करनी है, पर कैवेलरी मेंटेन तो आप करेंगे पर कैवेलरी का स्टैंडर्ड कैसा होगा, उस कैवेलरी में जितना आपका ऑब्लिगेशन है यू आर फुलफिलिंग दैट ऑब्लिगेशन और नॉट, ये कैसे चेक होगा? ये चेक होगा इंस्पेक्शन के थ्रू, जो कि पहले सिस्टम 73-74 के पहले नहीं था। अब जो विजारत है, दीवाने विजारत से क्या मिलेगा आपको, ये मनसब को यहाँ पे मनसब जब आपको मिलेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी, पर यहाँ पे जो कमांडर है मिलिट्री का, जो हेड है मिलिट्री का, हेड की जो डिपार्टमेंट है वो जिसको कहते हैं मीर बख्शी, मीर बख्शी का डिपार्टमेंट चेक करेगा कि अब जो आपने कैवेलरी मेंटेन करी है उसके हॉर्सेज और आपके जो कैवेलरी मैन है उनका स्टैंडर्ड क्या है। कैसे चेक करेगा? आप अपने सारे ट्रूप्स को लेकर आएंगे फॉर द एट ए डेस्टिन्ड प्लेस और डेजिग्नेटेड प्लेस, और वहाँ पे
जो कमांडर है, जो कि मीर बख्शी है, उसका डिपार्टमेंट आपके जो सबसे पहले घोड़े हैं, हॉर्सेज हैं, उनको दाग लगाएगा, यानी कि उनको ब्रांडिंग करेगा, ताकि ये ना हो कि पहले एक नोबल आया, उसी घोड़े को दूसरे नोबल ने भी दिखा दिया। तो स्पेसिफिक नोबल्स के जो घोड़े हैं उनको ब्रांडिंग करी जाएगी बाय द नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक नोबल, कि ये घोड़े इनके हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपकी चेकिंग हो तो ये देखा जा सके कि यू आर प्रोड्यूसिंग द सेम हॉर्सेज और नोट हॉर्सेज आपकी के हैं कि नहीं है, तो ब्रांडिंग कर दी जाएगी। और चेहरा, चेहरा मतलब फेशियल डिस्क्रिप्शन, आपका जो हुलिया है, जो शोल्जर्स का, उनकी उनके स्केच बनाया जाएगा और रॉयल जो डिपार्टमेंट है उसमें रखा जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप आएं या कोई और लोग लेकर आए तो दोनों का चेहरा आपस में ना मिले, यानी कि डिफरेंट नोबल शुड हैव ए डिफरेंट शोल्जर्स एंड डिफरेंट हॉर्सेस अंडर देम, दैट इज वाई तभी ये इंश्योर किया जा सकता है कि सब अपने कोटा मेंटेन कर रहे हैं। दिस इज ए इवोल्यूशनरी फीचर जो कि 73 और 74 में चालू हुआ टू कंट्रोल द नोबल्स एंड टू इंश्योर दैट दे आर मेंटेनिंग देयर ऑब्लिगेटरी कोटा ऑफ ट्रूप्स एंड इन ए गुड क्वालिटी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ कोटा। 1595 एंड 96 इज द 14th रेगनल ईयर ऑफ द अकबर, एंड दिस इज द ईयर जब ड्यूअल रैंकिंग इंट्रोड्यूस हुई। क्या है ड्यूअल रैंकिंग? जात एंड सवार। अब देखेंगे जात और सवार का मतलब क्या है, अब मैंने अभी तक थोड़ा डिटेल में और बताऊंगा जात और सवार का मतलब। देखिए हमने कहा है और ये बात आपको याद रखनी है, जात बताएगी हायरकी में आपकी पोजिशन क्या है, ठीक है, पर ऑब्लिगेशन, मिलिट्री ऑब्लिगेशन क्या बताएगा? सवार। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो नोबल्स हैं, हम देखेंगे एक बार डिटेल में, दो नोबल्स हैं, नोबल वन और नोबल टू, ठीक है। अब इनकी भी जात है 1000 और इनकी अगर जात है 900, तो कौन सीनियर हुआ? सीधा हमें पता लग गया जात 1000 वाला जो नोबल है ये सीनियर है और 900 वाले जो है ये जूनियर है, क्योंकि हायर की हमें किससे पता लग रही है? जात से, ठीक है। तो जात से हायर की पता लग रही है। अब मान लीजिए सेकंड एग्जांपल लीजिए जहां पे दोनों नोबल की जात 1000 है, दोनों की जात क्या है 1000, पर इनकी सवार रैंक है 800 और इनकी सवार रैंक है 700, तो इनमें से सीनियर कौन है बताइए? इनमें से सीनियर कोई नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हायर की कैसे डिसाइड होगी, हायर की विल बी डिसाइडेड ओनली बाय जात नॉट बाय सवार रैंक, पर सैलरी इनकी ज्यादा होगी क्योंकि इसको जात रैंक तो दोनों की बराबर है, तो जात के हिसाब से सैलरी तो सेम होगी, पर क्योंकि इनको 100 कैवेलरी मैन, 100 राइडर्स एक्स्ट्रा रखने हैं, तो इनकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से इनकी सैलरी ज्यादा होगी, पर दोनों की हायरकी में पोजीशन सेम होगी। तो ये है जात और सवार, जिसमें कि जात से सिर्फ हायरकी पता लगती है और सवार से आपकी मिलिट्री ऑब्लिगेशन पता लगते हैं। तो ऑब्लिगेशन भी स्पेसिफिकली डिसाइड करने के लिए, क्योंकि हो सकता है किंग ने किसी एक नोबल की मिलिट्री प्रोवेस ज्यादा हो तो उसकी ऑब्लिगेशन मिलिट्री ज्यादा रखी हो, तो ये ड्यूअल रैंकिंग चालू हुई। अब देखिए इसमें एक और सिस्टम है, दाह बिस्टी सिस्टम। दाह बिस्टी सिस्टम, दाह बिस्टी मतलब 10-20, यानी कि फॉर एवरी 10 सोल्जर्स 20 हॉर्सेस शुड बी मेंटेन, मतलब ऑन एन एवरेज हर एक सोल्जर के पास दो घोड़े होने चाहिए, टू हॉर्सेस होने चाहिए, ताकि इफेक्टिवली मैनेज हो सके आर्मी की एफिशिएंसी, ठीक है। दाह बिस्टी सिस्टम इज भी इंट्रोड्यूस किसने किया था? अकबर ने, जिसका मतलब अगर आपको 800 सवार मेंटेन करने हैं तो आपके पास घोड़े कितने होने चाहिए? 1600 आपको मेंटेन करने, डबल हॉर्सेस यू हैव टू मेंटेन। अब इवोल्यूशन देखते हैं अंडर जहांगीर सिस्टम ऑफ दू अस्पा सी अस्पा। दू अस्पा सी अस्पा सिस्टम किसके टाइम पे आया? जहांगीर के टाइम पे आया। ये क्या है दू अस्पा सी अस्पा? मतलब है दो, दू मतलब टू, सी मतलब तीन और अस्पा मतलब हॉर्सेस, टू हॉर्सेस थ्री हॉर्सेस, ये इसका लिटरल मीनिंग है, पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है हम देखते हैं। इसका मतलब है कि देखिए जात और सवार में एक और खास बात है, सवार रैंक कभी भी जात से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सवार रैंक है अकबर के अंडर जो सिस्टम था उसका मतलब यह था कि सवार रैंक विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू जात, यानी कि अगर किसी की जात 1000 है तो उसकी सवार रैंक मैक्सिमम 1000 हो सकती है या फिर 1000 से नीचे रहेगी, इट विल नेवर क्रॉस द रैंक ऑफ जात।
सवार रैंक हमेशा जात रैंक के बराबर या उससे कम रहेगी। ये सिस्टम किसका है? अकबर का। क्योंकि हायरकी किससे डिसाइड हो रही है? जात से डिसाइड हो रही है। अब पर मान लीजिए अगर कोई एम्परर ये चाहता है, क्योंकि जात सवार से क्या होगा, सवार रैंक किसको इफेक्ट करेगी? आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इफेक्ट करेगी। पर अगर जात रैंक बढ़ाएंगे तो सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी। पर अगर जात रैंक ना बढ़ाएं, सिर्फ सवार रैंक बढ़ाएं, तो सिर्फ सवार का एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा, ना तो हायरकी में आपकी प्रमोशन करना पड़ेगा, ना आपकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। ओनली द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा सवार विल हैव टू बियर बाय द स्टेट। सिर्फ इतना फर्क है। जहांगीर क्योंकि ऐसे सर्कमस्टेंसेज में एम्परर बना जहां पे सिचुएशन उसके फेवर में नहीं थी, बिकॉज सम ऑफ द प्राइमरी लीडिंग नोबल्स ऑफ अकबर वॉन्ट के भाई जहांगीर का जो बेटा खुसरो है वो एम्परर बने। तो जहांगीर अकबर के जो नोबल्स थे, जब जहांगीर एम्परर बन गया तो उनसे बहुत ही ज्यादा खुश नहीं थे। ही वॉन्ट्स टू साइडलाइन दोज नोबल्स और प्रमोट दोज नोबल्स, वो लोग जो उनके कंट्री उन नोबल्स को प्रमोट करना चाहते थे जो कि इनके प्रति वफादार हों, जिनके प्रति जिनकी लॉयल्टी पे जहांगीर को ट्रस्ट हो। पर जात रैंक नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि जात रैंक बढ़ाने से सिस्टम और हायरकी डिस्टर्ब होती थी। तो इन्होंने उनकी सवार रैंक को इनडायरेक्टली बढ़ाने के लिए एक सिस्टम निकाला, दू अस्पा सिस्टम, जिसमें क्योंकि सवार रैंक जात से ज्यादा नहीं हो सकती, पर अगर करना है तो इनडायरेक्टली कैसे करेंगे, हमने सिस्टम निकाला दू अस्पा सिस्टम। ये सिस्टम कैसे काम करता है, मान लीजिए आपकी जात रैंक है 1000 और आपकी सवार रैंक है 700, तो ऑर्डर आएगा कि इस 700 में से 300 सवार रैंक विल बी दू अस्पा सी अस्पा। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब 700 में से 300 जो होंगे ये डबल हो जाएंगे, यानी कि ये 600 सवार जैसे होंगे और बाकी के जो 400 बचे वो नॉर्मल सवार होंगे। तो 700 की सवार रैंक में अगर 300 दू अस्पा सी अस्पा है, तो 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो ये हो गए 600 सवार, और 400 जो बचे वो नॉर्मल रहेंगे, तो ही कैन मेंटेन 1000 सवार। यहां तक तो ठीक है कि जात 1000 बराबर ही रही, पर अगर देखिए किसी के पास 1000 सवार और 1000 उसकी जात रैंक है, और 1000 को मैं पूरे के पूरे 1000 को दू अस्पा सी अस्पा कर दूं, तो वो कितने रख सकता है, 2000 सवार। दिस इज द मीनिंग। चलिए, तो जहांगीर में सिस्टम हो गया दू अस्पा सी अस्पा। शाहजहां में क्या हुआ, शाहजहां में सिस्टम हुआ मंथ स्केल और पार्शियल रैंकिंग। क्यों हुआ मंथ स्केल और पार्शियल रैंकिंग का क्या मतलब है, देखिए अकबर के टाइम पीरियड से जब जहांगीर का टाइम पीरियड आया, तो जहांगीर के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ टेरिटरी का, मुगल टेरिटरी का। इसका मतलब रेवेन्यू में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, पर क्योंकि जहांगीर क्या कर रहा है, दू अस्पा सी अस्पा लगा रहा है, इसका मतलब इस जो रेवेन्यू आपको देना है नोबल को वो बढ़ेगा, बिकॉज नोबल्स विल बी हैविंग मोर मिलिट्री पावर। तो मिलिट्री पावर की कॉस्ट किसको उठानी है, स्टेट को उठानी है। तो इसके लिए कहाँ से पैसा आएगा, इसके लिए पैसा आएगा जो खाली सा लैंड है, जो क्राउन लैंड है, उस लैंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग लैंड है उस लैंड की हमको जमा जो कि उसकी रेवेन्यू डिमांड है उससे ज़्यादा हमें इन्फ्लेट करके बतानी पड़ेगी कि नहीं नहीं दिस अमाउंट जो 1000 का अमाउंट आपको हम पहले मिल रहा था सेम जागीर से सेम सिस्टम से, उस जमीन को 1200 रुपये मिलेंगे और 1200 रुपये के हिसाब से आप ये जमीन ले लो और आपकी रेवेन्यू आपकी मिलिट्री आप ज़्यादा रखो। तो इस वजह से क्या हो रहा था, इस दोनों चीज़ों की वजह से, एक तो दो चीज़ें हुई, एक तो खालिसा लैंड कम हो गया, और जहांगीर ने क्योंकि अपने लोगों को प्रमोट करना था, उसने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे नए नए मनसबदारों को इंडक्ट किया, तो नंबर ऑफ मनसबदार तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, पर स्टेट का रेवेन्यू उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो इस वजह से स्टेट को एक तो अपनी खालिसा लैंड कम करनी पड़ेगी, और दूसरी बात इनको एडजस्ट करने के लिए उनको बहुत सारी जागीर जो देनी पड़ी इन्फ्लेटेड रेट्स पे देनी पड़ी, ये बताकर कि आपको जो जागीर दी जा रही है हो सकता है उसकी एक्चुअल इनकम 100 रुपया ही हो, पर ये बोल के दी गई कि नहीं नहीं उसकी इनकम 200 रुपया है, आप इसको ले लीजिए और ज़्यादा लोगों को रखिए। इससे एक सी सिचुएशन आ गई कि ऐसा हुआ कई बार कि मान लीजिए स्टेट ने आपको बोला कि आपकी सैलरी 200 रुपया है और 200 रुपये के हिसाब से आपको ये लैंड की आपको ये जगह दी जा रही है एज ए जागीर, पर एक्चुअल उसका रियलाइजेशन सिर्फ 100 रुपये है। तो अगर कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है और उससे आप डिमांड कर रहे हैं 200 रुपये का काम करने का, 200 रुपये के हिसाब से वो घोड़े रखे सवार रखे और अपना काम करे, तो वो नहीं कर पाएगा। तो क्या होने लग गया था, करप्शन होने लग गया था, सप्रेशन ऑफ पीजेंट्री होने लग गया था, और ऑब्लिगेशन को पूरी तरह से नहीं माना जाने लगा था। इस सिस्टम को देखते हुए शाहजहां ने कहा कि इसमें आप क्या लगा दो, मंथ स्केल लगा दो, मतलब
अगर आपका जो आपकी जागीर है उस जागीर की इनकम को आप देख लो कि कितने मंथ की सैलरी के बराबर आ रही है। फॉर एग्जांपल आपको 200 रुपी की जागीर मिली और आपकी जागीर की एक्चुअल इनकम 100 रुपीज है, इसका मतलब 12 मंथ की जो सैलरी है उसके हिसाब से सिर्फ 6 मंथ की आपको सैलरी मिल रही है, क्योंकि आपको 12 मंथ में 200 मिलना चाहिए था, पर आपको तो मिल रहा है 200 मिलना चाहिए था 6 मंथ में, 12 मंथ में, पर आपको 100 मिल रहा है, तो 6 मंथ का आपको पैसा मिल रहा है। तो आपकी जो जागीर है, आपकी जो मनसब है, उसको क्या कहा जाएगा? 6 मंथली मनसब, जिसमें सिर्फ 6 मंथ का पैसा मिल रहा है रियलाइजेशन से। तो आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो भी क्या हो जाएंगी? 6 मंथ के हिसाब से हो जाएंगी। अगर आपका रेवेन्यू 8 मंथ के हिसाब से आ रहा है साल के, तो आपकी 8 मंथ के हिसाब से आपकी आपका ऑब्लिगेशन हो जाएगा। दिस इज द इम्प्रूवमेंट और दिस इज ए प्रैक्टिकल थिंग टू डू, बिकॉज ये जागीर शाहजहां के टाइम पे पता लग गया था कि जो जागीर दी जा रही है उनका एक्चुअल जितना रुपया देके दी जा रही है उतने रुपए के हिसाब से उसमें पैसा रिलाइज नहीं हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग इंट्रोड्यूस अंडर द रूल ऑफ शाहजहां। दूसरा है पार्शियल रैंकिंग। अब देखिए, जात और सवार दोनों से आपकी सैलरी डिसाइड होती है, तो मंथली स्केल ने एक तरह से तो देख लिया, पर अब क्योंकि सैलरी कम हो रही है और आपकी आपको घोड़े भी कम रखने हैं, आपको सवार भी कम रखने हैं, पर इसको एक और तरीके से कम करने का तरीका दिया गया ताकि उनकी इनकम ही कम करी जा सके, क्योंकि यहाँ से तो इनकम कम हो रही है पर इनकम वैसे भी कम है, तो उनके ऑब्लिगेशन एक और तरीके से डायरेक्टली कम करने का तरीका निकाला गया, पार्शियल रैंकिंग। इसका मतलब 3 तरह की रैंकिंग दी गई। अगर मनसबदार की पोस्टिंग उसी स्टेट में है, उसी सूबा में है जिस सूबा में उसकी जागीर है, तो उसको सिर्फ कितने सवार मेंटेन करने हैं? उसकी सवार रैंक से 1/3। अगर आपकी सवार रैंक 100 है और आपकी जागीर और आपकी ड्यूटी एक ही सूबा में है, तो आप 1/3 मेंटेन करिए बस, यानी कि आपकी सवार रैंक 100 है तो सिर्फ 33 हॉर्सेस मेंटेन करिए। अगर आपकी ड्यूटी मतलब और आपका वर्क मनसब किसी एक स्टेट में है, एक सूबे में है, और आपकी जागीर दूसरे सूबे में है, तो इसका मतलब आपको आने जाने में कितना खर्चा करना पड़ेगा, आप ढंग से उसके रेवेन्यू को आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप फिर कितने मेंटेन करिए? 1/4। आप जो आपका सवार रैंक है उसका सिर्फ 1/4 कोटा मेंटेन करिए। और अगर आपकी ड्यूटी कहां पर आ गई, ऐसी जगह पे आ गई जहां पे रियलाइजेशन बहुत मुश्किल है, जैसे कि काबुल, जैसे कि बदख्शान, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो आप क्या मेंटेन करिए? सिर्फ 1/5 जो आपकी सवार है, सिर्फ उसका 1/5 रैंक का सिर्फ 1/5 सवार आप मेंटेन करिए। ये 2 इंप्रूवमेंट शाहजहां ने करे, ये इवोल्यूशन है। अब फीचर्स देखेंगे। फीचर्स क्या है मनसबदारी सिस्टम के? हमने क्या क्या देखा? फीचर्स मनसबदारी सिस्टम में क्या है? ये इंस्टीट्यूशनलाइज मुगल ब्यूरोक्रेसी को इसने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया का मतलब रूल्स, रेगुलेशन, ऑब्लिगेशन सब डिसाइड हुआ मनसबदार सिस्टम से। मनसबदारी सिस्टम की वजह से आपकी रैंक पता लगी, मनसबदारी सिस्टम की वजह से आपकी ऑब्लिगेशन पता लगी, और मनसबदारी सिस्टम की वजह से आपको कितनी सैलरी मिलेगी और आपको गवर्नमेंट के साथ किस तरह का, स्टेट के साथ किस तरह का काम करना है, ये आपको पता लगा। तो इसने ब्यूरोक्रेसी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इसमें रूल्स रेगुलेशन भी हैं कि प्रमोशन डिमोशन होगा तो कैसे होगा, तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। रूल्स रेगुलेशन से मेरा मतलब है, यहाँ पे अगर अच्छा काम आपने किया तो प्रमोशन होगा, आपको आपका काम इस एम्प्लॉयर को पसंद नहीं आया तो डिमोशन होगा। ये ड्यूअल रैंकिंग पे है। इसका एक और फीचर इंपॉर्टेंट क्या है? ड्यूअल रैंकिंग है। और 3 क्लासेस ऑफ मनसबदार, 3 क्लासेस मैंने बताए थे, नहीं अभी नहीं बताए। 3 तरह के मनसबदार हो सकते हैं। एक ऐसे मनसबदार जिनकी सवार रैंक इक्वल्स टू जात रैंक हो, दूसरे ऐसे जिनकी सवार रैंक ग्रेटर देन इक्वल टू जात रैंक हो, हाफ ऑफ जात रैंक को, मतलब या तो सवार जात के बराबर होगा या सवार जात रैंक के आधे के बराबर या आधे से ज्यादा होगा, और तीसरा जिसमें सवार रैंक लेस देन हाफ ऑफ जात रैंक। तो ये 3 तरह के इसमें क्लासेस हैं उसमें, पर अगर आपकी जात बराबर है तो आपकी रैंकिंग एक जैसी रहेगी, पर आपकी ऑब्लिगेशन कम ज्यादा होने की वजह से आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ और आपकी सैलरी कम ज्यादा होगी। ये इसने सेंट्रलाइज कैरेक्टर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को। इसका क्या मतलब हुआ? सेंट्रलाइज कैरेक्टर देने का मतलब है क्योंकि जितने भी मनसबदार हैं उनको कौन अपॉइंट कर सकता है? ओनली 1 सेंट्रल अथॉरिटी, दैट इज द एम्परर हिमसेल्फ ओनली विल डिसाइड हु विल बी अपॉइंटेड एज मनसबदार, हु विल नॉट बी अपॉइंटेड एज ए मनसबदार। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसने सेंट्रलाइज कंट्रोल दिया, मतलब एम्परर के कंट्रोल में किसको मनसबदार रखना है किसको मनसबदार नहीं रखना है, तो इसने सेंट्रलाइज कैरेक्टर दिया। ठीक है जी,
इन थ्योरी बेस्ड ऑन मेरिट, इन थ्योरी बेस्ड ऑन मेरिट, पहले तो देखते हैं बेस्ड ऑन मेरिट का क्या मतलब है। बेस्ड ऑन मेरिट का मतलब है, अगर आप थ्योरी में देखेंगे, हमने क्या कभी भी देखा कि मनसबदार कौन होगा? नहीं देखा। मनसबदार कोई भी हो सकता है जो किंग को पसंद आया, और किंग जनरली किसको पसंद करेगा? जो कि अच्छी सर्विसेज देगा। तो इन थ्योरी इट इज बेस्ड ऑन मेरिट, पर हमने देखा है जनरली इस सिस्टम में जो मनसबदार है उनके रिलेटिव्स को भी इजीली एंट्री मिलती थी, और जो किंग है उनके रिलेटिव्स को भी इजीली एंट्री मिलती थी। अब इसमें सिस्टम ऑफ प्रमोशन एंड डिमोशंस भी है, आपका काम पसंद आएगा तो आपका प्रमोशन होगा, आपका काम पसंद नहीं आएगा तो आपको डिमोशन होगा, क्योंकि रैंक कहाँ से कहाँ तक है? 10 से लेके 10,000 है, स्टेटिक नहीं है। आप अच्छा काम करते रहो, आपको प्रमोशन होता रहेगा, आपका कोई काम अच्छा नहीं आया तो आपको डिमोशन भी हो सकता है, ये फीचर है। रेगुलर ट्रांसफर इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ मनसबदारी सिस्टम। देखिए, मनसबदारी सिस्टम में दो तरह से आपको सैलरी मिलती थी, एक कैश में मिलती थी जिसको कहते थे नकद मनसबदार, और एक आपको कैसे मिलती थी? जागीर के थ्रू मिलती थी। जागीर मतलब ए सर्टेन एरिया विल बी गिवन टू यू, उस सर्टेन एरिया का मतलब उसका रेवेन्यू आपको दिया जाएगा। सो रेवेन्यू असाइनमेंट आपको जिस जगह का दिया जाएगा उस जगह को कहा जाएगा जागीर, और इस तरह से भी आपको सैलरी मिलती थी। अब इसमें रेगुलर ट्रांसफर का मतलब है आपकी पोजीशन बार बार चेंज होगी, मतलब जागीर आपको जिस लैंड में दी गई है वहां आपसे आपका बार बार ट्रांसफर होगा, और आपको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो भी एक तरह की नहीं होगी, कभी सिविल दे सकते हैं, कभी मिलिट्री दे सकते हैं, कभी एक एरिया में मिलिट्री ऑपरेशन दे सकते हैं, कभी दूसरे एरिया में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं। जनरली 3 से 4 ईयर में आपका ट्रांसफर हो जाता था इस सिस्टम में। नॉन हेरिडेटरी, नॉन हेरिडेटरी मतलब अगर कोई मनसबदार है तो जरूरी नहीं है सेम पोजिशन उसके बच्चों को भी मिलेगी। लॉ ऑफ एस्चीट, लॉ ऑफ एस्चीट का मतलब है मनसबदार की डेथ के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है हो सकता है स्टेट उसको कन्फिस्केट कर ले, पर जनरली होता क्या था, क्योंकि जनरली नोबल्स ने स्टेट से लोन लिया हुआ होता था, स्टेट से मनसबदारों को लोन मिल सकता था बींग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, तो जनरली उनके डेथ के बाद अगर उनकी प्रॉपर्टी से ऐसा हो कि उनको स्टेट को पैसा वापस करना हो, टू गिव मनी बैक, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उनकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लेती थी, जितना पैसा उनसे लेना होता था लेती थी, और अगर गवर्नमेंट को सही लगता था तो बाकी पैसा उनके जो नेक्स्ट किन है उनको दे देती थी। इसमें क्या प्रोविजन है, रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ ट्रूप्स एंड हॉर्सेज, ये हमने देख लिया कि ये भी एक फीचर है, बार बार दाग और चेहरा इसलिए लगाया था कि इंस्पेक्शन हो रेगुलर। प्रोविजन फॉर माशरत रैंक्स, अब ये क्या मतलब है, देखिए माशरत रैंक का मतलब है इमरजेंसी रैंक। मान लीजिए आपकी जात और सवार रैंक फिक्स है, पर इमरजेंसी की वजह से आपको गवर्नमेंट हो सकता है आपको एक एक्स्ट्रा जागीर दे दे, एक्स्ट्रा रैंक दे दे इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी फॉर, तो ताकि आप अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग एक्स जगह पर है, आपके पास 200 सवार से उस हिसाब से आपको रैंक मिली हुई है, उस हिसाब से आपको इनकम मिली हुई है, वहाँ पे एक रिवोल्ट हो गया और अब गवर्नमेंट चाहती है कि आपको 200 सवार नहीं आपको 400 सवार रखना है, तो फॉर दोज टेम्प्रेरी पीरियड आपको एक जागीर मिलेगी, आपको एक रैंक मिलेगी जो कि कवर कर सके कॉस्ट फॉर हैविंग दोज एक्स्ट्रा सवार। ये इमरजेंसी प्रोविजन है, और जब नॉर्मल सिचुएशन होगी यू विल बी रिवर्ट बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन। तो ये एक प्रोविजन को कहेंगे माशरत रैंक, इमरजेंसी रैंक, ये भी प्रोविजन है, ये भी फीचर है मनसबदारी सिस्टम का। दाहबिष्टी हमने देख लिया 10 और 20, और दू अस्पा सी अस्पा भी हमने देख लिया जो फीचर है, और क्या फीचर है, मंथ स्केल और पार्शियल रैंकिंग अंडर शाहजहां इज ए फीचर ऑफ मनसबदारी सिस्टम विच वी हैव सीन। हाउ एम्परर यूज टू कंट्रोल मनसबदार, बताइए कैसे कंट्रोल कर सकते थे। देखिए हमने देखा एम्परर के पास क्या क्या है, ट्रांसफर पावर, तो ट्रांसफर करके कंट्रोल करेंगे। दूसरा क्या है, अपॉइंटमेंट पावर, इस तरीके से कंट्रोल करेंगे जो हमने अभी तक देखे। तीसरा क्या हमने देखा, प्रमोशन एंड डिमोशन, इस तरह से भी कंट्रोल करेंगे। जो हमने नहीं देखे तरीके जिससे कंट्रोल किया जाता था वो हम डिस्कस करते हैं। तीन तो हमने देख लिया, चौथा क्या है, जो इनको सैलरी मिल रही है, मनसबदार को जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी का एक पार्ट आपको सेंट्रल अथॉरिटी को देना है, किंग को देना है, ये भी एक तरीका है। एम्परर यूज्ड टू कंट्रोल मनसबदार, कैसे, जो सैलरी मनसबदार को मिल रही है एक पर्टिकुलर पार्ट, डिसाइडेड पार्ट आपको किसको देना है, एम्परर को देना है। ये पार्ट अलग अलग नोबल के लिए अलग अलग होता था। द हाइएस्ट सैलरी कट विच ए मनसबदार हैज टू गिव इज फ्रॉम डक्कन, जो डक्कनी मनसबदार होते थे उनको 1/4 यानी कि 25% ऑफ देयर इनकम हैज टू बी दे हैव टू गिव टू एम्परर। और क्या कंट्रोल होता था, एक और तरीका है, जो भी एनिमल एम्परर के हैं, एम्परर जिन एनिमल को मेंटेन कर रहा है फॉर देयर पर्पजेस, उसकी जो खुराक होती थी, उसकी जो फीडिंग होती थी, उसका भी खर्चा किससे लिया जाता था, मनसबदार से लिया जाता था।
ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट इज फिक्स्ड फॉर पर्पज ऑफ मेंटेनिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ किंग। तो इन तरीकों से एम्परर यूज करता था अपने कंट्रोल किसके ऊपर, मनसबदार्स के ऊपर। सिग्निफिकेंस कोई सवाल आ जाए, कंट्रीब्यूशन सवाल आ जाए, एडवांटेज सवाल आ जाए मनसबदारी का, तो क्या क्या मनसबदारी के एडवांटेज हैं? ये एक सिस्टम है टू कंट्रोल नोबिलिटी। कैसे? क्योंकि आपने प्रॉपर रूल बना दिए, आपने प्रॉपर रेगुलेशन बना दिए कि आपकी ऑब्लिगेशन फिक्स कर दी, सैलरी फिक्स कर दी, प्रमोशन डिमोशन के तरीके फिक्स कर दिए, तो एक सिस्टम है। इससे क्या, और ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं, पैसे भी आप ले रहे हैं उनसे, वो भी देखा। तो एक सिस्टम है टू कंट्रोल नोबिलिटी थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड देन अंडर स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन आपने पुट करा, और ये इम्पार्ट करा इसने इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को। जब किसी भी कैरेक्टर, हालांकि हम देखेंगे इसकी भी लिमिटेशन है, पर एक इंस्टीट्यूशनल एक तरीके से करा जहां आपकी रैंकिंग से पता लग सकता है कि आपकी ऑब्लिगेशन भी आपको दिए जाएंगे एक रैंक से, ठीक है। तो इसने इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर दिया और साथ में ही इसने कंट्रोल करना नोबिलिटी को पॉसिबल हुआ एम्परर के लिए। मुगल सल्तनत में इसलिए किसी भी एम्परर को हटा के नोबल गद्दी पे नहीं बैठा, थ्रोन पे नहीं बैठा, जबकि सल्तनत पीरियड में ऐसा बार बार हुआ। ये एक ऐसा भी सिस्टम है जिसमें सम फॉर ऑफ डायरेक्ट एलेजियंस किसके बीच है, क्रिएटेड बिटवीन एम्परर और ऑफिशियल, क्योंकि ऑफिशियल को डायरेक्टली कौन लगा रहा है, एम्परर, तो ऑफिशियल डायरेक्टली किसको रेस्पॉन्सिबल है, एम्परर को रेस्पॉन्सिबल है। इस वजह से बॉन्ड बिटवीन ब्यूरोक्रेसी और एम्परर स्ट्रेंथन्ड हुआ और एम्परर पर डिपेंडेंसी होने के कारण रिवोल्ट होने का चांस बहुत कम हो गया। ये मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को सर्व करता था पर्पस, क्योंकि मनसबदार दोनों जगह आते थे, तो सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को ये सिस्टम सर्व कर रहा था। इससे इसने स्टेबिलिटी दी सिस्टम को। स्टेबिलिटी कैसे आई? ड्यूअल रैंक, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हुआ और क्या हुआ, रूल एंड रेगुलेशन हुए, और क्योंकि डिपेंडेंसी ऑफ नोबिलिटी टू किंग है इसलिए भी स्टेबिलिटी आई। एक सवाल देखा था प्रीवियस ईयर का कि इसमें सक्सेस में क्या रोल था, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड किस तरह से करी, ये सक्सेस में रोल था। और ये इसमें क्योंकि हमने देखा एक डेफिनेट रैंक है, सैलरी है, ऑब्लिगेशन है ये नोबल्स का, तो ये सिग्निफिकेंस है इस सिस्टम का, एडवांटेज है इस सिस्टम का। नेक्स्ट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, इसने एक सिस्टम प्रोवाइड किया टू इनलार्ज द सोशल बेस ऑफ द मुगल नोबिलिटी। इसलिए मुगल नोबिलिटी में तुर्रानी भी हैं, ईरानी भी हैं, इंडियन मुस्लिम्स भी हैं, डक्कनीज भी हैं, हिंदूज भी हैं, जिसमें राजपूत भी हैं और नॉन राजपूत कास्ट भी हैं। तो ये जो सोशल बेस है जिसमें नोबिलिटी में अलग अलग रेशियल ग्रुप्स को जगह मिली, ये पॉसिबल हुआ मनसबदारी सिस्टम से, क्योंकि इसमें रैंक मिल रही है और आपकी जो आपने जो काम किया है, मेरिट किया है, उस वजह से डिफरेंट डिफरेंट लोगों को मनसबदार बनाया जा सकता है। इससे सोशल बेस एनहेंस हुआ, वाइड हुआ, किसका, मुगल पीरियड का। इसने एक प्रोवाइड किया सिस्टम टू इंटीग्रेट द लोकल रूलिंग क्लास, जो लोकल रूलिंग क्लास है जिन्होंने जब सुजरेंटली मान ली, अपने आप को नॉमिनल कंट्रोल मान लिया मुगल रूलर्स का, तो उन लोगों को भी इंटीग्रेट किया जा सका मुगल ब्यूरोक्रेसी में। इसी वजह से जो राजपूत हैं जिन्होंने जब मुगल्स की सोवरेंटी सुजरेंटी मान ली, जब उनकी नॉमिनल रूल को मान लिया, तो दे वर इंटीग्रेटेड इन टू द मुगल ब्यूरोक्रेसी बाय गिविंग द मनसब्स एंड देन दे परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनिशियल ईयर्स, क्योंकि उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली, रोल मिली और उनको इंटीग्रेट कर लिया नोबिलिटी में। सो इट प्रोवाइडेड ए सिस्टम टू इंटीग्रेट द लोकल रूलिंग क्लास इन टू द मुगल रूल, और इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मुगल राजपूत अलायंस में। दिस सिस्टम ने सेंट्रलाइज कंट्रोल स्ट्रेंथन की हमने देख रखा है, तो इंपॉर्टेंट टूल इन पॉलिसी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मनसबदार आप हैं तो आपको जागीर मिलेगी। जागीर कहाँ मिलेगी? जागीर दो तरह के लैंड है, ये एम्पायर है तो इसमें एक तो खालिसा लैंड है, खालिसा लैंड तो सीधे के सीधे एम्परर के अंडर है, इसका पैसा सीधा एम्परर के पास जाएगा। जो बाकी के हैं सूबा, सूबा में क्या है, सूबा में सूबेदार हैं और दूसरे ऑफिसर्स हैं। अब इन्हीं सूबाज में आपको जागीर मिलेगी मनसबदार को, तो मनसबदार के पास भी कुछ पावर है, सूबेदार के पास भी कुछ पावर है। वहां पे फौजदार जो कि एक मॉडर्न डे एसपी की तरह है, जो रूल, जो कि लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है, उसके पास भी कुछ पावर है। ऑल दीज विल एक्ट एज ए चेक एंड बैलेंस। जमींदार भी वहां पर है, उनके पास भी कुछ पावर है। तो चार पांच पावर सेंटर होने की वजह से पावर कंसंट्रेट नहीं है किसी भी एक आदमी के पास में, और रूलर अपना किसी भी ग्रुप को अपनी तरफ मिला के दूसरे रिवोल्ट अगर कोई कर रहा है तो उसको चेक कर सकता है, उसकी पावर को बैलेंस कर सकता है। कंट्रीब्यूशन टू द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर, बिल्कुल सही बात है। कंसोलिडेशन कैसे करा, स्टेबिलिटी देखो, और एक्सपेंशन कैसे करा, एक्सपेंशन ऐसे किया कि हर नोबल की, क्योंकि आपने मिलिट्री कैपेबिलिटी आपने फिक्स कर दी, उसकी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी, तो एक्सपेंशन में भी फायदा मिला। कैसे, और इस तरह से भी फायदा मिला कि आपने जो बाहर के लोग हैं जो कि लोकल रूलिंग क्लास है, जो विद इन द मुगल फोल्ड नहीं है, वो भी मुगल फोल्ड में आ गई, तो एक्सपेंशन।
लिमिटेशन एडवर्स इम्पैक्ट। लिमिटेशन क्या है? कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने देखा सारे डिसीजन फाइनल कौन ले रहा है? एम्परर ले रहा है। टिल द टाइम एम्परर इज एफिशिएंट, एम्परर इज एफिशिएंट, सिस्टम विल वर्क फाइन, जैसा कि हुआ। बाद में वीक रूलर आए तो सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, इंस्टीट्यूशन नहीं था, तो सिस्टम इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द एम्परर। ठीक है भाई, ये मतलब हुआ। सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन नहीं है, मैनेज अपॉइंटमेंट ट्रांसफर एंड प्रमोशन सब कौन कर रहा है? सब एम्परर अपने विल से कर रहा है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, एडवर्स इंपैक्ट है। अब क्योंकि ये सिस्टम में सैलरी कैसे मिल रही है, कैश कम मिल रही है, जागीर ज्यादा मिल रही है, तो अगर जागीर क्राइसिस कभी भी होगा, अगर अच्छी जागीर देने के लिए नहीं होगी तो आप लोगों को रख नहीं सकते, जो बाद में हुआ। और अगर जागीर से जागीर देने के लिए जगह नहीं होगी तो भी इशू है, जागीर दी पर उसमें ज्यादा रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, मनी नहीं आ रही है, तो दिक्कत है। और जागीर देने का खुद एक सिस्टम अगर दिक्कत आ गया तो भी सिस्टम प्रॉब्लम आ गई। तो सक्सेस ऑफ मनसबदारी सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द सक्सेस ऑफ जागीरदारी सिस्टम। सो एक लिमिटेशन है। और देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन जमा एंड हासिल ऑफ जागीर। जमा एंड हासिल का मतलब क्या हुआ? एक जागीर है, जागीर का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो है जमा, जो रियलाइज्ड रेवेन्यू है वो हासिल है। हमेशा देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियलाइज्ड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू। एस्टिमेटेड रेवेन्यू जनरली ज्यादा होता था, रियलाइज्ड रेवेन्यू जनरली कम होता था। पर जब इसका डिफरेंस ज्यादा बढ़ने लग गया, जब आपको जागीर दी गई कि 100 रुपये आपकी इनकम है, लो आपको एक ऐसी जागीर दी जिससे 100 रुपये की इनकम होगी, पर आपकी इनकम अगर 25 रुपया ही हो रही है, तो देर इज ए मिसमैच बिटवीन द वॉट योर एक्सपेक्टेशन आर एंड वॉट योर रियलाइजेशन ही। अगर 100 रुपये बोल के 95 या 90 रुपये हो तो फिर भी काम चल जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे, पर 100 बोल के 25 होगा तो काम नहीं चलेगा। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस सिस्टम। ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन, लॉयल्टी ऑफ द सोल्जर्स वाज फ्रेगमेंटेड। मतलब स्टैंडिंग आर्मी तो राजा की होती है, पर जो हमने आर्मी किस किस को भी बनाने का हमने राइट्स दे दिया, हम नोबल्स की भी अपनी अपनी आर्मी होगी, ये नोबल्स की आर्मी जो होगी ये किसके प्रति लॉयल रहेगी? डायरेक्टली टू किंग और द नवाब और द मनसबदार, दे विल बी डायरेक्टली लॉयल रिस्पॉन्सिबल टू द मनसबदार। ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस, अलग अलग मनसबदार के पास जो सोल्जर्स होंगे उनकी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग अलग अलग होगी, तो जब ये एक साथ लड़ाई करेंगे, दे विल गो टू वॉर टूगेदर किसी और के अगेंस्ट, तो फिर देर इज अ प्रॉब्लम कि इनकी एक तो लॉयल्टी डाउटफुल होगी, और साथ ही उनके क्योंकि ट्रेनिंग एक साथ नहीं हुई है, तो उनकी उनका जो लड़ने का तरीका है, जो उनकी एक्सपर्टीज है, वो भी हो सकता है डिफरेंट लेवल पर हो, दे कुड नॉट वर्क एज ए यूनिट टुगेदर। द सिस्टम ऑफ रेगुलर ट्रांसफर, जैसा हमने देखा 3-4 साल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो रेगुलर ट्रांसफर होने से क्या होगा? जो जागीरदार है जिनको एक रेवेन्यू के लिए एक जगह असाइन हुई है इन द लीव ऑफ देयर सैलरी, दे आर असाइंड ए रेवेन्यू यूनिट। अगर वो एक लैंड है तो वहाँ के इम्प्रूवमेंट के लिए, रेवेन्यू इम्प्रूवमेंट के लिए काम करने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं होंगे, दे विल बी नॉट दैट एक्साइटेड बिकॉज दे नो दैट आफ्टर 3-4 ईयर्स आई विल बी ट्रांसफर्ड। तो उनका प्राइमरी मोटिव होता था जितना भी ज़्यादा रेवेन्यू है मैं एक्सपेक्ट कर सकूँ लोकल लेवल पे, वो उनका होता था। इस वजह से लॉन्ग टर्म मेजर कोई नहीं ले पाया गया इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बाय द मनसबदार। तो लॉन्ग टर्म मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर एरिया उन्होंने नहीं लिया, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। और नो रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ मनसबदार्स एंड द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। इसका मतलब, जैसा कि हमने देखा कि अकबर के बाद जहांगीर के टाइम में मनसबदार का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पर रेवेन्यू ऑफ स्टेट इतना नहीं बढ़ा। तो ऐसा सिस्टम नहीं था कि 60 मनसबदार ही आप रख सकते हो क्योंकि रेवेन्यू आपका इतना है। रेवेन्यू अगर फिक्स है तो भी मनसबदार का नंबर कितना भी बढ़ सकता था अकॉर्डिंग टू विल ऑफ द एम्परर। तो ये एक लिमिटेशन है, जब नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जिनको सैलरी नहीं दे पाओगे, तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम, जो बाद में हुई जागीरदारी क्राइसिस में। एक कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मनसबदारी सिस्टम, एक कंपेरेटिव स्टडी है ग्रोथ ऑफ मनसबदारी सिस्टम की। अगर हम इसको देखें, जो मैं बता रहा था कि नेगेटिव बताया था ना कि देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मनसबदार्स एंड रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है तो भी मनसबदार बढ़ सकते हैं। देखिए 1595 में टोटल मनसबदार 123 थे जिनकी जात 500 और अबोव थी। जात 500 या उससे ज्यादा के कितने मनसबदार है? 123। इन द ईयर 1621 कौन है? जहांगीर है। तब इनकी नंबर लगभग डबल हो गया 242। पर क्या एरिया 242 बढ़ा? क्या इनकम 242 डबल बढ़ी स्टेट की? नहीं बढ़ी, पर नंबर लगभग 100% बढ़ गए। तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे खाली सा लैंड कम हुआ और साथ ही अच्छी जागीर के लिए जो क्राइसिस है उसको भी थोड़ा उसमें स्टार्टिंग हुई। अब देखिए उसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां है 647-48, नंबर देखिए 443 हो गया, 242 से 443 हो गया, लगभग डबल हो गया।
और जब शाहजहां लास्ट ईयर 1656 नंबर हो गया 518, यानी नंबर ऑफ मनसबदार हैविंग जात 500 एंड अबव, मतलब जिनकी सैलरी ज्यादा है उनके नंबर 123 से बढ़ के 60 ईयर में 518 हो गए, लगभग लगभग 4.4 टाइम्स बढ़ गए। पर क्या एरिया 4.4 टाइम्स बढ़ा, क्या इनकम 4.4 टाइम्स बढ़ी? नहीं बढ़ी। इट मींस दिख ही रहा है आपको कि स्ट्रेन पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है किस पे? रेवेन्यू ऑफ द स्टेट पे। इसमें अब देखिए, अगर हम रेशियल कंपोजिशन देखें इस ईयर में, तुरानीज जो कि सेंट्रल एशियन ओरिजन के हैं उनका कंपोजिशन है 37%, जो कि घटके 19% हो गया जहांगीर के टाइम पे, थोड़ा सा बड़ा शाहजहां के टाइम पे 23%, और लगभग एंड ईयर में भी ये उतना ही रहा। ईरानीज जो कि 22% है अकबर के टाइम पे, इनका परसेंटेज ड्रास्टिकली थोड़ा सा बढ़ा, किसके टाइम पीरियड में? जहांगीर के टाइम पीरियड में, क्योंकि जहांगीर के जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वाइफ की साइड से वो ईरानीज थे, 28%, और यही लगभग मेंटेन रहा लेटर ईयर्स में ऑफ शाहजहां। अदर मुस्लिम जो कि अराउंड 20% है अकबर के टाइम पे, इनका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 33% ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर, और फिर 27% पे रहा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां। हिंदूज जिसमें कि बड़ा ग्रुप था राजपूतों का, इसमें 18% था अराउंड इन द टाइम ऑफ अकबर, जो कि 17% थोड़ा सा कम हो गया इन द टाइम ऑफ जहांगीर, और 20% पे रहा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां। सो दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक, मनसबदारी सिस्टम, जिसमें हमने अच्छे से देखा मनसबदारी सिस्टम क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसका इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या हैं, और कंपेरेटिव स्टडी से हमने ये भी देखा कि मनसबदार का नंबर तो कैसे बढ़ रहा है विदाउट इंक्रीजिंग, विदाउट कंपेरेटिव इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, और लैंड जो रेवेन्यू स्टेट हुआ उसको और डिटेल में देखेंगे, पर बताना है चाह रहा हूँ कि 4.4 टाइम्स बढ़ गया, पर हमें पता है इतना एरिया नहीं बढ़ा था फ्रॉम द टाइम ऑफ लास्ट ईयर्स ऑफ अकबर टू द लास्ट ईयर्स ऑफ शाहजहां, ये तो हमें पता है। कंपेरेटिव स्टडी हम दूसरे टॉपिक में करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, मनसबदारी सिस्टम। द सेकेंड टॉपिक इज जागीरदारी सिस्टम। तो जागीर क्या है? जागीर इज ए एक रेवेन्यू किसी एरिया का, व्हेन यू आर असाइंड ए जागीर इन लीव ऑफ द सैलरी। आप एक सर्विस दे रहे हैं स्टेट को तो आपको एक सैलरी मिलनी चाहिए इन लीव ऑफ द सैलरी, व्हेन रेवेन्यू ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इज असाइंड टू यू, दैट इज जागीर। इट इज नो, ये एक रेवेन्यू एरिया, एक एरिया का रेवेन्यू आपको मिल रहा है बस। वो रेवेन्यू किस तरीके का हो सकता है? वो लैंड रेवेन्यू भी हो सकता है, कस्टम रेवेन्यू भी हो सकता है, पोर्ट रेवेन्यू भी हो सकता है, और अदर काइंड ऑफ रेवेन्यू भी हो सकता है। सो इन दिस सिस्टम इनकम रेवेन्यू फ्रॉम एन एरिया, ओनली एन इनकम और रेवेन्यू फ्रॉम एन एरिया वॉज असाइंड टू ए पर्सन। तो ये तो हो गया जागीर, और जागीर के होल्डर को बोलेंगे जागीरदार, ठीक है। द एरियाज असाइंड वर जनरली कॉल्ड जागीर एंड इट्स होल्डर जागीरदार, यही हमने बात करी, ठीक है। टाइप्स ऑफ जागीरदार देखिए, मेनली चार टाइप के जागीरदार हैं। तनखा जागीर यानी सैलरी जागीर, अगर आपको एक रेवेन्यू किसी एरिया का इन लीव ऑफ योर सैलरी, आपकी सैलरी यानी कि आपने कोई वर्क करा स्टेट के लिए, एंड लीव इन एक्सचेंज ऑफ दैट वर्क यू आर गिवन ए रेवेन्यू ऑफ ए एरिया, दैट जागीर विल बी कॉल्ड तनखा जागीर। इनाम जागीर, इनाम जागीर, आपको गिफ्ट में कोई रेवेन्यू मिला, आपने कोई वर्क नहीं करा, पर आप हो सकता है स्कॉलर्स हो सकता है आप रिलीजियस मैन हो, तो आपको इनाम में जब कोई रेवेन्यू दिया गया तो उसको बोलेंगे इनाम जागीर। माशरत जागीर हमने देख ही लिया है, माशरत जागीर क्या होता है? इमरजेंसी पर्पजेस के लिए आपको जो जागीर मिली फॉर द मिलिट्री, आपकी रिक्वायरमेंट के लिए, इमरजेंसी के लिए वो आपको दी गई, बाद में आपसे ले ली जाएगी। वतन जागीर, व्हाट इज वतन जागीर? वतन जागीर जो लोकल रूलर्स हैं, जैसे कि राजपूत हैं, मान लीजिए रूलर ऑफ आम्बेर, रूलर ऑफ आम्बेर ने किसकी नॉमिनल सुजरेंटी मानी? उन्होंने मुगल एम्परर की मान ली कि वी आर अंडर द नॉमिनल कंट्रोल ऑफ मुगल्स, मुगल्स विल बी अवर लीडर, हमने मान लिया वी विल बी अंडर योर कंट्रोल, पर वी विल हैव अवर ओन स्टेट। तो वो जो आपकी खुद की स्टेट है, वो आपकी स्टेट को मुगल्स ने अपने अंडर नहीं मिलाया, आप उसको कंट्रोल करोगे, इंटरनल रूल आप ही का रहेगा, वो कहा जाएगा वतन जागीर। उस वो आपको दे दी कि ठीक है आप हमारे अंडर आ गए, आपको एक वतन, आपका एरिया हमने जागीर में दे दिया, उसको कहा जाएगा वतन जागीर। देखिए ब्रिटिश टाइम पीरियड में किस तरह की टेरिटरीज थी इंडिया में, दो तरह की थी, एक तो थी ब्रिटिश रूल जिस एरिया में था, और एक था नेटिव स्टेट्स जो कि लोकल रूलर्स के अंडर था, जैसे कि जयपुर हो गया, जैसे कि कश्मीर हो गया, जैसे कि जूनागढ़ हो गया, जैसे कि हैदराबाद हो गया। तो जो नेटिव स्टेट्स हैं और ब्रिटिश रूल है जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश रूल है, सिमिलरली मुगल टाइम पे जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल है
ये तो मुगल एरिया हो गया, और वो एरिया नेटिव स्टेट जहां पे राजा लोग हैं वो क्या हो गया, वतन जागीर हो गया, ऐसे है ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जागीर सिस्टम कैसे, अब देखिए जो मुगल रूल है उसमें हमने एरिया को देखा जाए तो तीन दो तरीके से बांट दिया। वो एरिया जिसका रेवेन्यू सीधा ट्रेजरी में जा रहा है वो है खालिसा, यानी कि ये रेवेन्यू सीधा सेंटर के पास जा रहा है, सीधा एम्परर के पास जा रहा है, और जो बाकी जितना भी एरिया बचा वो है जागीर। इसमें से वतन जागीर भी है, इसमें से तनखा जागीर भी है, इसमें से माशरत जागीर भी है, और इसमें से इनाम जागीर भी है, ठीक है। ये है डिवीजन ऑफ जागीर। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ जमा और कॉन्सेप्ट ऑफ हासिल है। जमा क्या है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना होगा, और हासिल क्या है, रियलाइज्ड रेवेन्यू। एक एरिया से जो रेवेन्यू, मान लीजिए आपकी इनकम, आपकी सैलरी, आपने एक ऐसा काम किया जिसकी सैलरी 100 रुपया है, तो 100 रुपये के हिसाब से आपको रेवेन्यू के लिए एरिया दे दिया जाएगा जिस एरिया का रेवेन्यू 100 है कैलकुलेशन के हिसाब से। पर मान लीजिए आप कैलकुलेट, आपने जब रियलाइज करा, आपने जब रेवेन्यू कलेक्शन किया तो शॉर्टफॉल हो सकती है, तो वो जो एक्चुअल आप रियलाइज्ड करेंगे, जो एक्चुअली आप कलेक्ट करेंगे वो हासिल है, और जो आपको दिया गया है ये सोच के कि ये इसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो जमा है। कॉन्सेप्ट ऑफ पे बाकी, जोर तलब और सेर हासिल, मतलब क्या है, पे बाकी वो एरिया है जो जागीर में देना है पर अभी तक किसी को असाइन नहीं करा है, वो एरिया को कहा जाएगा पे बाकी। सो पे बाकी इज ए एरिया विच हैज टू बी गिवन एज ए जागीर पर येट टू बी असाइंड। जोर तलब जागीर, जोर तलब जागीर वो जागीर हैं जिन जागीर में आपको हासिल करने के लिए जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे रिवॉल्यूशन हो, वहाँ पे रिवोल्ट हो रखा है, या वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से आपको इजीली जाके जो डिस्टर्ब एरिया हैं वहाँ पे आपको फोर्स का यूज़ करके हासिल यानी कि रेवेन्यू को कलेक्शन करना पड़ेगा। दोज टाइप्स ऑफ जागीर विल बी कॉल्ड, वर कॉल्ड जोर तलब जागीर। अब ऐसा एरिया तो कोई नहीं लेना चाहेगा, तो ये इसकी, इसलिए ये कोई भी नहीं लेना चाहता, वो एरिया है जोर तलब जागीर। सेर हासिल, सेर हासिल जागीर वो जागीर है जिसमें रेवेन्यू अच्छा है, यानी कि उलट इसका बिल्कुल अपोजिट, जोर तलब में ताकत लगानी है क्योंकि डिस्टर्ब एरिया है, सेर हासिल गुड एरिया जहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है और जहां पे रेवेन्यू अच्छा आता है, जितना आपको जमा बताया हासिल उसके आसपास है, गुड जागीर, उनको क्या कहेंगे, सेर हासिल। सिस्टम ऑफ ट्रांसफर्स और इट्स इफेक्ट्स, जागीर सिस्टम में आपको जब जागीर यानी कि रेवेन्यू असाइनमेंट मिलेगा तो आपको रेगुलरली ट्रांसफर किया जाएगा ताकि उस एरिया से उस नोबल या उस ब्यूरोक्रेट का कोई ज़्यादा डीप कनेक्शन ना हो, ताकि फ्यूचर में डीप रूट्स होने की वजह से वो बाद में एम्परर को चैलेंज ना करे। तो सिस्टम ऑफ ट्रांसफर है। इसके इफेक्ट क्या हैं, इसके इफेक्ट हैं कि एक तरह से तो इट्स ए पॉजिटिव फॉर द सेंट्रल अथॉरिटी बिकॉज दे हैव ए सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड दे कैन कंट्रोल नोबल्स बेटर, बट नेगेटिव इफेक्ट क्या है, नेगेटिव इफेक्ट क्या है, बिकॉज वन नोबल, वन पर्सन, वन ब्यूरोक्रेट इज पोस्टेड फॉर ओनली लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो वो कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा मनी कलेक्शन कर लूँ, और लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं रहते थे फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ये नेगेटिव इफेक्ट है। मैनेजमेंट ऑफ जागीर, अब मैनेजमेंट ऑफ जागीर क्या है, मैनेजमेंट ऑफ जागीर है कि जागीरदार को जब जागीर दी जाएगी तो उसको सेंक्शन दिया जाएगा, फरमान दिया जाएगा कि आपको किस रेट से रेवेन्यू कलेक्ट करना है। इट इज नॉट लाइक दैट यू कैन गो एंड कलेक्ट एनीथिंग, नो, यू हैव टू कलेक्ट रेवेन्यू एज पर द रेट मेंशन्ड इन योर ऑर्डर। अब दूसरा है जागीरदार के ऑफिशियल और स्टेट के ऑफिशियल। देखिए जागीरदार को सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना है, लॉ एंड ऑर्डर जागीरदार को मेंटेन नहीं करना है उस एरिया में, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी ऑफिसर रहेंगे, और जागीरदार सिर्फ वो ऑफिसर रख सकता है खुद के जो उनके कलेक्शन में हेल्प करें। तो वो कौन कौन से होते थे, एक जनरल टर्म है कारकून, यानी कि वर्कर्स ऑफिशियल्स जो ये सब काम करेंगे, कारकून, और दूसरा था आमिल। आमिल क्या है, जो इनका रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वो आमिल है, सेंटर का भी आमिल है और जागीरदार का खुद का आमिल है। एक और टर्म जो आपको दिखेगी फौतदार, ये ट्रेजरर की टर्म है, तो जागीरदार के पास आमिल होगा, फौतदार होगा, कारकुन होगा, और स्टेट के ऑफिशियल उस जगह में कौन कौन से होंगे, फौजदार होंगे, फौजदार इज लाइक ए पुलिस ऑफिसर, फौजदार होगा, और फिर कौन होगा, दीवान होगा उस एरिया में, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, गवर्नमेंट का खुद का आमिल भी होगा आसपास के एरिया में। ये सब ये ध्यान रखेंगे कि जागीरदार ऑपरेशन ना करे, जागीरदार एक्सप्लोइटेशन ना करे उस जगह के लोगों का। तो ये डिफरेंस है ऑफिशियल्स का। रोल ऑफ फौजदार, फौजदार का क्या रोल है, जैसा कि मैंने बोला इट्स लाइक ए एसपी ऑफ एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट टुडे,
इसका रोल ये है कि जागीरदार को असिस्ट करना है, अगर जागीरदार को रेवेन्यू कलेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, उसको कोई दिक्कत आ रही है स्ट्रेंथ वाइज, तो फौजदार विल हेल्प बाय स्ट्रेंथ जागीरदार को, किस में, कलेक्शन में। तो इसलिए जागीरदार को फौजदार ऐसा चाहिए जो अच्छी उसकी हेल्प सके कलेक्शन में, और उसका खुद का खर्चा कम हो, फौजदार ही हेल्प करे। प्रॉब्लम्स ऑफ द जागीरदार, जैसा कि हमने कहा, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, जमा और हासिल की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर दो। सेकेंड प्रॉब्लम, मिड सेशन ट्रांसफर। देखिए, अगर आपको लैंड रेवेन्यू असाइन हुआ है, मान लीजिए, तो लैंड रेवेन्यू तो आपको ईयर में दो ही बार मिलेगा, जब हार्वेस्ट होगा, रबी और खरीफ की फसल में। अब आपका मिड सेशन ट्रांसफर हो गया, फसल अभी कटी नहीं है, फसल अभी हार्वेस्ट नहीं हुई है, क्रॉप अभी हार्वेस्ट नहीं हुई और आपको ट्रांसफर हो गया, तो हाउ विल यू रियलाइज द रेवेन्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, इट इज अ बिग कंसर्न फॉर जागीरदार। सो ये एक प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है। डिपेंडेंसी ऑन जमींदार एंड फौजदार। देखिए, कलेक्शन तो हमने देखा था कि उस मिडाइवल टाइम में कलेक्शन डायरेक्टली तो सब नहीं कर सकते थे, जमींदार कलेक्शन करता था ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट और डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को देता था। अगर जमींदार जिसकी लोकल रूट्स हैं उसने अगर हेल्प नहीं करी जागीरदार की, तो जागीरदार विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन टाइमली बेसिस। तो इसकी डिपेंडेंसी जमींदार से और फौजदार से भी क्या है, क्योंकि फौजदार को मिलिट्री स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। कलेक्शन एट सेंक्शन रेट्स, आपकी जो सेंक्शन रेट है आपको उसी से कलेक्शन करना है, तो ये जागीरदार के लिए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मान लीजिए अगर सेंक्शन रेट है 40%, 40% से आपका कलेक्शन नहीं हुआ जितना कि आपकी सैलरी है, तो फिर आप क्या, आप 40 से ज़्यादा नहीं कर सकते थ्योरेटिकली, ये एक प्रॉब्लम है जागीरदार के लिए। जागीरदारी क्राइसिस, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक क्वेश्चन भी आया था, जागीरदारी क्राइसिस क्या है। देखिए, जागीरदार क्या है, जागीरदार एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जिसको होल्डर ऑफ जागीर, जिसको इन लियू ऑफ सैलरी, इन लियू ऑफ सैलरी उसको क्या मिली है, रेवेन्यू असाइंड हुआ है एक पर्टिकुलर एरिया का। अगर वो रेवेन्यू कम है बहुत ज़्यादा, तो उसको दिक्कत होगी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाएगा। या फिर ऐसी भी, जैसा कि हमने देखा, शेयर हासिल जागीर भी है, कुछ जागीर अच्छी हैं, कुछ जागीर खराब हैं, कुछ जोड़ तलब जागीर है। सो एनी सेन पर्सन विल वॉन्ट शेर हासिल जागीर, नॉट जोड़ तलब जागीर। सो जागीरदारी क्राइसिस तब हुई, जैसा कि हमने देखा, मनसबदार का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा, तो अब सबको तो जागीर मिलेगी नहीं, और जिसको मिलेगी उसको हो सकता है अच्छी भी ना मिले। सो जागीरदारी क्राइसिस इज ए सिचुएशन वेन नंबर ऑफ जागीर मनसबदार कुड नॉट कीप पेस विद द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटोरी, एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू जिस हिसाब से बढ़ रहा था, जागीरदार नंबर ऑफ मनसबदार आर एक्सपेंडिंग मोर फास्टर रेट, सो इट कुड नॉट कीप पेस विद ईच अदर, एंड देयर इज अ सिचुएशन अराइज जहां पे सब मनसबदार को जागीर नहीं मिल पा रही थी, टाइम पे नहीं मिल पा रही थी, और बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ पॉसिटी ऑफ गुड जागीर, पॉसिटी यानी कि देयर इज अ लेक, देयर इज अ शॉर्टेज, शॉर्टेज इज अ गुड टर्म, शॉर्टेज ऑफ जागीर, और इवन इफ जागीर इज देयर, जागीर आपको मिल भी जाती थी, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जमा एंड हासिल, इस वजह से जो नोबल्स हैं वो ग्रुप बनाने लग गए, आपस में ग्रुप बना के, ताकि पॉलिटिक्स को इफेक्ट कर सकें, जो कोर्ट है उसको अफेक्ट कर सकें, और कोशिश कर सकें अपने लिए बेटर टर्म्स लेना, बेटर जागीर लेना, बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन अराइज हो गई जहां पे ना तो वो, क्योंकि उनको पैसे भी कम है, जागीर मिल नहीं रही है, तो कोर्ट की पॉलिटिक्स बढ़ गई, पॉलिटिक्स बढ़ने से कोर्ट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, और ये सिचुएशन अराइज हो गई जहां पे अच्छी तरह से वो आर्मी भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, वीकनिंग हो गई किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन की और मिलिट्री स्ट्रक्चर की। दिस इज द जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदारी क्राइसिस क्या है, दोबारा हम देख लेते हैं, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नोबल्स हैं, उनको, उनके लिए शॉर्टेज है किसकी, जागीर की, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ जागीर, सिर्फ जागीर की शॉर्टेज के साथ साथ अच्छी जागीर की भी शॉर्टेज है, जिस वजह से उनको जागीर टाइम पे नहीं मिल पा रही है, उनको अपनी सैलरी नहीं मिल पा रही है, इस वजह से दे इन्वॉल्व्ड इन अ ग्रुप पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कहाँ पर, कोर्ट में, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, और क्योंकि सैलरी कम है, सबको पैसा नहीं मिल पा रहा, जागीर नहीं मिल पा रही, तो मिलिट्री कैपेबिलिटी भी कम हो रही है। सो ग्रुप पॉलिटिक्स इन द कोर्ट, फैक्शनलिज्म इन द कोर्ट, मिलिट्री स्ट्रेंथ कम हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट हो रहा है, ये सब जागीरदारी क्राइसिस है। रीजंस ऑफ क्राइसिस, जागीरदारी सिस्टम में क्राइसिस का रीजन क्या क्या है, तो इसमें रीजन क्या क्या है, इसके अलग अलग व्यू दिए हैं। क्राइसिस क्या है वो तो हमने समझ लिया, पर रीजन क्या है, इरफान हबीब क्या कहते हैं, इरफान हबीब कहते हैं
कि इसका रीजन है एग्रेरियन क्राइसिस। एग्रेरियन क्राइसिस इज द रीजन, एग्रेरियन क्राइसिस का रीजन ये कह रहे हैं कि जागीरदार को जमा और हासिल में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि एग्रेरियन क्राइसिस चल रहा है 17 सेंचुरी में, इनकम प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम होने की वजह से इनकम कम हो रही है किसी एरिया से और इनकम किसी एरिया से कम हो रही है, तो जागीरदार की इनकम कम हो रही है, इस वजह से जागीरदारी क्राइसिस हो रहा है। सतीश चंद्रा क्या कहते हैं? सतीश चंद्रा कहते हैं नहीं, एग्रेरियन क्राइसिस नहीं है, ड्यू टू मेनी रीजंस एस्पिरेशंस ऑफ जागीरदार्स वर नॉट मेट फ्रॉम द रेवेन्यू असाइंड टू हिम, इस वजह से देयर इज अ डिसकंटेंट बिटवीन अमोंग द जागीरदार्स, और इस वजह से क्योंकि उनकी एस्पिरेशंस इनकम से मैच नहीं हो रही थी इसलिए जागीरदार और जमींदारों ने मिलकर ऑपरेशन किया पीजेंट्स का, इस वजह से पीजेंट के ऑपरेशन की वजह से रिवोल्ट हुए, एग्रेरियन क्राइसिस हुआ, दिस इज द रीजन ऑफ जागीरदारी क्राइसिस। अथर अली क्या कहते हैं? अथर अली कहते हैं नहीं, सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है, एग्रेरियन क्राइसिस चल रहा था अथर अली के हिसाब से उसी टाइम, क्योंकि औरंगजेब डक्कन में इन्वॉल्व था तो वो नॉर्थ इंडिया से डक्कन में चले गए, तो नॉर्थ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन बैठ गया, नॉर्थ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट हो गया, वीक हो गया, बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉर्थ इंडिया, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग एब्सेंस ऑफ एम्परर, बिकॉज ऑफ द एग्रीरियन क्राइसिस गोइंग ऑन बोथ सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दैट जागीरदारी क्राइसिस हो गया जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन तो खराब हो ही चुका था और एग्रीरियन सिस्टम पहले से ही खराब चल रहा था, तो मिसयूज हुआ सिस्टम का, एग्रीरियन सिस्टम का अच्छे से काम नहीं करना और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का मिसयूज होने की वजह से सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई कि जागीरदारी क्राइसिस हो गया, जागीर की कमी हो गई और अच्छी जागीरों की कमी हो गई, दैट लेड टू जागीरदारी क्राइसिस। एन ए सिद्दीकी क्या कहते हैं? एन ए सिद्दीकी कहते हैं सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, इतनी सिंपल नहीं है। एन ए सिद्दीकी कहते हैं कि क्योंकि ऑपरेशन हुआ, जागीरदार ने क्या करा, ऑपरेशन किया किसका, पीजेंट्स का ऑपरेशन किया, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी सही से नहीं हो रहा था और इस 17 सेंचुरी के एंड में नंबर ऑफ वॉर्स, नंबर ऑफ रिवोल्ट्स एंड नंबर ऑफ बैटल्स वर इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ दैट लार्ज एरिया ऑफ द कंट्री डिस्टर्ब था, डिस्टर्ब होने की वजह से जोर तलब जागीर में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ दोज जागीर इंटू जोर तलब जागीर, डिस्टर्ब जागीर, द कैपेसिटी ऑफ जागीरदार टू कलेक्ट रेवेन्यू डिक्रीज हो गई क्योंकि उनका ज्यादातर समय इस एरिया को पीसफुल करने में चला गया और वो कलेक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, कलेक्शन अच्छे से नहीं कर पाने की वजह से उनके पास पैसा कम आया, बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डिक्रीज दे कुड नॉट मेंटेन द मिलिट्री स्ट्रेंथ, मींस दे कुड नॉट मेंटेन द नंबर ऑफ सवार्स विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। सब्सिक्वेंटली ये सिचुएशन चलती रही तो मिलिट्री स्ट्रेंथ कम होने की वजह से और डिस्टर्ब एरिया होने की वजह से इनकम में कम होती गई और इनकम कम हुई, मिलिट्री स्ट्रेंथ कम हुई, मिलिट्री स्ट्रेंथ कम हुई तो इनकम कलेक्शन की कैपेसिटी और कम हो गई, तो ये विशियस साइकिल चलती रही और जागीरदारी क्राइसिस हो गया। तो दीज आर द डिफरेंट व्यूज, आज हमने दोनों टॉपिक देखे, जागीरदारी क्राइसिस और मनसबदारी क्राइसिस, मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम, हमने ये भी देखा जागीरदारी क्राइसिस क्या है और अलग अलग स्कॉलर्स का इसको लेके क्या व्यू है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस में पूछे गए ऑप्शनल में, ये सारे क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से, हमने जो आज लेक्चर लिया इससे हो जाएंगे, आपने देखा हमने सब टॉपिक कवर करे हैं। Thank you very much.